नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, हम इस स्लाइड को कल डिस्कस कर रहे थे। जी, तो कल हमने लेक्चर 26 को कंक्लूड किया था और हमने उसमें जो समाधान के शेष तीन बिंदु हैं, व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी, इसके आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, इनको पूरा विस्तार से हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट अपने को दिखता है कि मूल मुद्दा तो ज्ञान का है। तो मानव के चाहना निरंतर सुख है और निरंतर सुख ज्ञान समाधान से सुनिश्चित होता है। समाधान को फैलाते हैं तो नौ बिंदु दिखाई देते हैं, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, और इन सब की स्पष्टता होना, यही समाधान है। ज्ञान को हमने फैला कर जब देखा था तो मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवीय आचरण का ज्ञान इस रूप में हमने देखा था, जिससे विवेक निश्चित होता है और विवेक के आधार पर विज्ञान निश्चित होता है, और उसके फिर जब हम जीते हैं, एक्सप्रेशन में जाता है, तो फिर ये सारे बिंदु आते हैं। तो हमें अपने आप में ये देखना है कि हमारा व्यवहार अभी कैसा है, क्या व्यवहार के आधार में प्रेम का भाव बना रहता है। जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो स्वयं में समृद्धि का भाव और शेष प्रकृति की सुरक्षा का भाव बना रहता है। वैसे भागीदारी करते हैं तो क्या हमारी दृष्टि मानवीय परंपरा तक जाती है। इन सब चीजों को अपने आप में देखने की जरूरत है और ये एक अनवरत प्रक्रिया है, इस पर अपने को काम करते रहना है। अभी सिर्फ प्रस्ताव मिला है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जिस तरह से समय लगाया अभी सुबह के सत्र में, तो हमने बहुत सारी बारीकियों पर ध्यान दिया, पूरे प्रस्तावना के बहुत सारी बारीकियों पर ध्यान दिया। टोटल अगर काउंट किया जाए तो आज सवा दिन है जो हम इस सुबह के सत्र में लगा रहे हैं बैच में, तो 100 घंटे हमने लगाए हैं कि नहीं, तो इतना समय तो हमने लगाया है एक लंबे वर्कशॉप के रूप में। कल 110 घंटे, कल 111वां घंटा लगाएंगे तो इतना सारा समय तो हमने लगाया है कि नहीं। तो एक अच्छा अवसर रहा है हम सबके लिए। अब हम इस चीज को अपनी कल्पनाशीलता में ठीक से फैलाएं, स्वयं में जांचें, इसे जी कर देखें और अपने व्यवहार, कार्य, भागीदारी के एक एक भाग पे बारीकी से काम करेंगे तो बहुत सारे स्कोप दिखाई देगा, बहुत सारे नए प्रश्न बनेंगे। जब हम जीने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे नए प्रश्न बनते हैं, नए प्रश्न बनते हैं तो फिर ज्ञान के मुद्दे पे हम और बारीकी से ध्यान देते हैं कि ऐसा है या कुछ अन्यथा है ना। तो इसके अवसर बने रहेंगे अपने पास। इनफैक्ट पूरी मानवीय परंपरा बनने तक इस तरह के अवसर बने रहेंगे और उसको बनाए रखने के क्रम में नई नई पीढ़ियां आएंगी, उनके लिए भी अवसर बने रहेंगे। तो मानव की मूल आवश्यकता ज्ञान है, अपने को दिखता है, इसलिए ज्ञान अवस्था कहा। तो ज्ञान के लिए ही तो अपना सारा समय, प्रयास, ऊर्जा लगाना है। उसी अर्थ में शरीर एक साधन के रूप में है, उसी अर्थ में सुविधाओं का उत्पादन कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं। तो बढ़िया, इस पर हम लोग काम करते रहना है। कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, तो अभी कोई प्रश्न हो तो हम लोग अगली स्लाइड, अगला पीपीटी लगा लेते हैं। तो अब पूरी बात को समाप्त करते हैं, आज और कल हम लोग इस पूरी बात को समाप्त करेंगे। इनफैक्ट हम लोग हर दिन चर्चा में किसी न किसी रूप में इन सब बातों को दोहराते भी रहे हैं, बट एक बार पुनरावृत्ति हो जाए पूरी बात की। तो कोर्स का जो नाम रहा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कॉन्डक्ट ऑल एनकंपासिंग रिजोल्यूशन एंड होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, ये तो मॉड्यूल का नाम है। कोर्स का जो नाम रहा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, उसके मॉड्यूल 5 में देखें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कॉन्डक्ट ऑल एनकंपासिंग रिजोल्यूशन एंड होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, ये पूरे मॉड्यूल का टाइटल है। और अभी तक जितनी बात की हम लोगों ने उसको अभी हम लोग समाप्त करेंगे। जी, तो मानव की मूल चाहना निरंतर सुख है, इस बात को हम देख पाते हैं। ये मैं क्या आवश्यकता है, निरंतर सुख की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति ज्ञान समाधान से होती है, और समाधान को ही जब फैलाते हैं तो
ज्ञान से लेकर मानवीय परंपरा तक की स्पष्टता होना इसमें शामिल दिखाई देता है। तो ज्ञान, ज्ञान के आधार पर विवेक, विवेक के आधार पर विज्ञान, विज्ञान के आधार पर व्यवहार, कार्य, भागीदारी, जिसके आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा। और मानवीय परंपरा में हम इस बात को देख पाते हैं कि मानव लक्ष्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। तो मानव लक्ष्य का जो निश्चयन हुआ वो विवेक में होता है, ज्ञान के आधार पर। फिर उसी अर्थ में विज्ञान लगता है हमारे, उसी अर्थ में हमारी भागीदारी होती है। तो उसकी एक रूपता को हम देख पाते हैं कि क्या वही फलित हुआ जो हमारे विवेक में निश्चित हुआ था। तो इसको मानवीय परंपरा में भी देखेंगे और हम अपने व्यक्तिगत जीने में भी देखें इसको, देख सकते हैं कि जो विवेक में निश्चित हो रहा है वो हमारे जीने में किस प्रकार आ रहा है ना। तो जो हम स्वयं में समाधान के रूप में देख पाते हैं वो फल परिणाम के रूप में भी दिखना जरूरी है। अगर नहीं दिख रहा तो वापस हम अपने विज्ञान पे काम करेंगे, अगर ज्ञान में कुछ छूट गया तो ज्ञान पे काम करेंगे, विवेक पे काम करेंगे जी। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान, इन तीनों को मिलाकर कहा प्रतिभा है ना। आगे भैया लगाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड दिया। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान को मिलाकर कहा नहीं, और पहले पहले इसके पहले भैया, हाँ, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, इनको मिलाकर कहा प्रतिभा, टैलेंट जो स्वयं में है। तो ज्ञान सुनिश्चित होता है ब्लॉक B1 में। विवेक को अगर देखें उसमें ब्लॉक B1 और B2 दोनों शामिल है, इच्छा के स्तर पे निश्चयन होता है। और विज्ञान पूरी तरह से ब्लॉक B2 में है। जो प्रतिभा के आधार पर हमारा जीना होता है उसको कहा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो हमारा व्यवहार, कार्य, भागीदारी, ये हमारा व्यक्तित्व होता है। तो ये प्रतिभा हम सब में है ना। इस प्रतिभा का सदुपयोग करना है, टैलेंट हम सब में है। व्यक्तित्व हमारा इसके आधार पर हो जाए, हमारी प्रतिभा के आधार पर हो जाए, ये करने का काम है। और जब वही चीज कलेक्टिवली समाज में जाता है तो उससे समाज में एक संस्कृति, सभ्यता दिखाई देती है, एक मानवीय समाज दिखाई देता है। तो पूरे समाधान को देखें तो ये तीन भाग में देख सकते हैं, प्रतिभा, व्यक्तित्व और उसके आधार पर जो उसका एक्सप्रेशन है बाहर समाज के स्तर पर, उस रूप में एक मानवीय समाज के रूप में ये तीन भागों में दिखाई देता है जी। तो ये बात हमने देखी थी कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर तो साधन मात्र है। ये बात हम उन्होंने कई बार दोहराई है ना, बट इस बात को ठीक से अपने में पचाने की जरूरत है, ठीक से अपने में देखने की जरूरत है कि शरीर साधन मात्र है या शरीर को ही हमने साध्य बना लिया है। तो मेरी आवश्यकता निरंतर सुख है जिसकी पूर्ति ज्ञान और समाधान से होती है, और वही हमारे परस्परता में भागीदारी के रूप में जाता है, व्यवहार के रूप में, कार्य के रूप में, अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी के रूप में, जिसका एक स्वाभाविक रूप से जो फलन है वह अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है कि मेरी आवश्यकता मेरी क्रियाओं द्वारा ही पूरी होती है। कल जो हम लोग बात कर रहे थे संविधान की, तो चर्चा निकली थी अधिकार और कर्तव्य की। तो हमें से हर व्यक्ति का अधिकार है निरंतर सुखपूर्वक जीना, और अधिकार स्वयं में स्वयं द्वारा ही पूरा हो जाता है। ये जो मौलिक अधिकार है हमारा निरंतर सुखपूर्वक जीना है ना। और मैं ये प्रतिभा संपन्न हूँ, इस प्रतिभा का मैं सदुपयोग करता हूँ तो मेरी जो मौलिक आवश्यकता है वो मेरी क्रियाओं द्वारा ही पूरी हो जाती है कि नहीं। इस बात को अगर हम देख पाए तो फिर हम ये बाहर के दबाव प्रभाव से मुक्त होते हैं कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति मेरी क्रियाओं द्वारा ही होनी है। इसलिए मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर की किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, सदुपयोग कर रहा हूं परंतु निर्भर नहीं है ना, इवन शरीर पे भी निर्भर नहीं, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूं इतना ही है। बाहर की बहुत सारी वस्तुओं पे निर्भर नहीं, इनका मैं सदुपयोग कर रहा हूं। ये बात हम अपने आप में देख पाते हैं।
कि मेरी आवश्यकता मेरी क्रियाओं द्वारा ही पूरी होती है। ठीक, इसके लिए निष्ठापूर्वक, तत्परता पूर्वक, उत्साह पूर्वक काम करने की जरूरत है। जी, नेक्स्ट भैया। तो इस बात को जब मैं देख पाता हूं तो इससे मेरा स्वयं में विकास होता है। तो सेल्फ का जो विकास है वो ज्ञान और समाधान के आधार पर हो पाता है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो मेरी ऊपर की क्रियाएं हैं, है ना, चिंतन, बोध, अनुभव, हायर लेवल एक्टिविटीज हैं, उनमें जागृत होना। तो चिंतन, बोध, अनुभव की वस्तु को देखें तो चिंतन की जो वस्तु है स्वभाव है, संबंध। बोध की जो वस्तु है वो धर्म है, धारणा है, स्वत्व है, यानी व्यवस्था। और अनुभव की जो वस्तु है सहअस्तित्व, संपृक्तता, ये हमको दिखाई देता है। इस पे ही क्रमशः अपने को काम करना है, इस पे ही अपने को बारीकी से ध्यान देना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बेसिकली मेरी ही क्रियाएं जो सुसुप्त हैं, जो अभी क्रियाशील नहीं हुई है, उनको जागृत करने की बात है। चिंतन, बोध, अनुभव, इसको जागृत करने की बात है। तो वो क्रियाएं मेरी ही हैं, सुषुप्त हैं, जागृत नहीं है, उनको जागृत करना है। इतना ही कुल करने का काम है। जी, वीरेंद्र कुमार जी। हाँ जी, वीरेंद्र कुमार जी। हाँ, ये जो अधिकार के बारे में आपने अभी बात कही कि जो अधिकार है वो हमारा सभी का अधिकार है कि हम हमेशा स्वयं सुखी रहे, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इस बात की सही समझ न होने की वजह से कितने सारे लीगल डिस्प्यूट होते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है कि अधिकारों के बारे में ही लोग लड़ते रहते हैं, कोई अपना कर्तव्य तो देखता ही नहीं है। संविधान की भी बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो अपना, इवन वोटिंग राइट का भी जो वोटिंग राइट नहीं बल्कि एक ड्यूटी भी है, मतदान करते हैं कि नहीं ये लोग देखते भी नहीं है। तो जो हमको अपने अधिकार के बदले कर्तव्य आधारित शिक्षा दी जाए तो मुझे लगता है कि जितने सारे लीगल डिस्प्यूट होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब इसी वजह से होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ये कार्य करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, मतलब और हमारा ये अधिकार है। तो हम जब दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो अधिकार क्यों निश्चितता नहीं बन पाती है। लेकिन यदि हम ये सोचे कि हमारा कर्तव्य क्या है और वो कर्तव्य हम यदि कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप में ही सुखी रहने लगते हैं और अधिकार जो है उसके लिए दूसरों पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाता है। तो अब मैं तो बहुत सारे कोर्ट केसेस देखते रहता हूँ, लगभग 900 केसेस मैंने देखे, 700 RTI के, 200 दूसरे कोर्ट केसेस, तो मैं देखता हूँ जितने भी लड़ाई झगड़े हैं सब में ये जो अधिकारों के प्रति एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ते रहते हैं लोग, इसी वजह से पूरे डिस्प्यूट होते हैं। इसके बजाय यदि कर्तव्य आधारित शिक्षा यदि हो कि हम देखें कि हमारा एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए टीचर या एज एन एम्प्लॉय क्या हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य यदि हम पूरा करें तो फिर ये जो अधिकारों के लिए जो लड़ाई है वो खत्म हो सकती है। और इसलिए अधिकारों की बजाय कर्तव्य आधारित शिक्षा या लीगल सिस्टम हमारा होना चाहिए। धन्यवाद जी। देखिए, कर्तव्य मूल रूप से देखिए तो क्या है, कर्तव्य मूल रूप से ये है कि हम चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत हों। तो अधिकार है निरंतर सुखपूर्वक जिए, कर्तव्य है कि हम अपने चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत हों। तो अभी वो भी एक एक्सप्रेशन के रूप में है कि माता पिता संतान में ऐसे जिए, पति पत्नी संबंध में ऐसे जिए, है ना, वो फिर कहीं ना कहीं एक इम्पोजिशन के रूप में जाएगा। तो शिक्षा को अगर कर्तव्य धारित बनाना हो तो उसमें हम चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत होने की मूल वस्तु के रूप में रखेंगे। तो हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है निरंतर सुखपूर्वक जीना, और जो मौलिक कर्तव्य है वो चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत होना, कि नहीं जी? हाँ जी, सही बात है, बढ़िया। कर्तव्य मतलब जो करने योग्य है, अमोल जी का प्रश्न है। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो ज्ञान में तीन मुद्दे हैं, मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवता पुनाचरण का ज्ञान। इस पर हम लोगों ने विस्तार से समय लगाया। तो मॉड्यूल 1 में हमने इस पूरे कोर्स का परिचय लिया था, मॉड्यूल 2 में हमने ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय इस पर बात की थी कि अल्टीमेटली ज्ञान की वस्तु क्या है, जानने वाला कौन है और जानने की प्रक्रिया क्या है,
उस पर हमने समय लगाया था। मॉड्यूल 3 में हमने मानव के ज्ञान को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। मॉड्यूल 4 में हमने अस्तित्व के ज्ञान को लेकर चर्चा की थी और मॉड्यूल 5 में मानवीय आचरण के ज्ञान को लेकर चर्चा की थी और उसके बाद फिर विवेक से लेकर पूरी परंपरा तक उन्होंने चर्चा की थी। बट आप देख पा रहे होंगे कि मूल मुद्दा स्वयं को समझना और संपृक्तता को समझना, ये मूल मुद्दा है। इसी क्रम में फिर बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप सजने लगती हैं। तो एक बार ये दिखाई दे तो आचरण भी हमको ठीक से स्पष्ट होने लगता है। जी तो ह्यूमन बीइंग को हम जब समझ रहे होते हैं तो दिखता है कि ये अल्टीमेटली चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना ही है जो मानव का विकास है। जितना जितना हम चिंतन बोध अनुभव में जागृत होते जाते हैं उतना हमारी जो मूल आवश्यकता है निरंतर सुखपूर्वक होने की वो पूरी हो रही होती है और इसी को करना अपने को। तो इसके लिए सारी शिक्षा है, सारी व्यवस्था है ताकि सेल्फ का डेवलपमेंट हो जाए। जी तो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन दिखाई देता है। अभी हम पहले किसी एक स्थिति में होते हैं, कल्पनाशीलता में ही हो सकता है, अभी लोअर लेवल पे चल रहे हैं, सिर्फ आशा के स्तर पे जी रहे हैं। तो हम आशा लगाए रखते हैं, काश ऐसा हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, मैं तृप्त हो जाऊं। तो हम देखें तो कल्पनाशीलता में कई बार ऐसी स्थिति दिखती होगी, काश ऐसा हो जाए, काश कोई दूसरा मेरी ओर ध्यान दे दे, काश कोई है ना बिना श्रम की सुविधा उपलब्ध हो जाए, काश कोई अच्छी संवेदना मिल जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ये सबसे लोअर लेवल पे जीने की बात है कि हम पूरी तरह से बाहर पे डिपेंडेंट है कि बाहर से कोई अनुकूल चीजें मिल जाए, कोई संवेदना मिल जाए, दूसरे का भाव मिल जाए, कोई पहचान ले, नाम ले ले, है ना। और अभी देखें तो समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे जी रहा है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं। अभी देखिए कोई भी ऐसा अवसर मिलता है जिसमें लगता है कि बिना श्रम किए परिवार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, संबंध ठीक हो जाएंगे, तो हाँ दौड़ लगा देते हैं हम, समाज में भीड़ लग जाती है पूरी। कि हम कुछ अपने आप से प्रयास करें या ना करें, ना बाहर किसी व्यक्ति के किसी प्रभाव से हमारा दुख दूर हो जाए, हमारी समस्याएं दूर हो जाए, हमें कुछ सुविधा उपलब्ध हो जाए, कोई नया अवसर मिल जाए। तो देखें तो जीव चेतना में भी ये सबसे निचले स्तर पर जीने वाली बात हुई, जहाँ हम कुछ बाहर से कुछ अनुकूल पाकर सुखी होने के लिए पूरी तरह से कल्पनाशीलता को संजय हुई है। उससे आगे की स्थिति बनेगी कि हम विचार के स्तर पर जी रहे हैं, कि अभी हम विचार भी करते हैं कि ये जो सुखपूर्वक जीने के लिए क्या क्या योजना कार्यक्रम बनाना होगा, जो भी हमने सुख के बारे में माना हुआ है। उससे और आगे की स्थिति बनेगी कि हम उसको चित्रित कर पाते हैं कि एक सुखी जीवन कैसा होगा, जो भी हमने माना हुआ है, सुखी जीवन कैसा होगा, समृद्ध जीवन कैसा होगा, सुखी परिवार कैसा होगा, उसका हम कम से कम चित्रण शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से कुछ घटनाओं के आधार पर सुखी होने में लगे हैं या सिर्फ उसके लिए विचार भर कर रहे हैं, उसको अपने आप में चित्रित भी कर रहे हैं, परंतु इसमें भी हम जीव चेतना में ही होते हैं क्योंकि तो कहीं ना कहीं मान्यताएं या संवेदनाएं हावी रहती है, हमारे संस्कार में बहुत सारी चीजें बैठी हुई रहती है जिसमें ज्ञान का भाव होता है। मानव को शरीर मान लिया, अस्तित्व को जड़ मान लिया, है ना, लोगों में भेद को मान लिया, सम्मान के स्थान पर लोगों को अपना विरोधी मान लिया। अब ये सब मान कर हम बहुत सारा अपने अंदर इच्छा बनाए रहते हैं, चित्रण करते रहते हैं। तो अगर परिमार्जन देखें तो वहां से है जहां पे चिंतन बोध अनुभव जागृत होना शुरू होता है। तो इसमें अभी हम जो पूरी प्रक्रिया है समझने की, जिसपे हम सुबह भी काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में भी काम कर रहे हैं, अपने आप में भी काम कर रहे हैं, वो ये है कि ये ऊपर की क्रियाएं जागृत हो जाए, विकसित हो जाए, चिंतन बोध अनुभव और ज्ञान की जो पूर्णता है वो अनुभव में। बट अनुभव को अनुभव तक पहुंचने के लिए ये सारी तैयारी जरूरी है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अनुभव हो जाए तो अल्टीमेटली हम फिर लौट कर आशा के स्तर पर पहुंच जाए कि काश अनुभव हो जाए, काश अस्तित्व दिख जाए, है ना। अल्टीमेटली अगर ऐसा भी हमारे अंदर कल्पना चल रही है तो हम फिर आशा के स्तर पर पहुंच गए कि हमने इसको भी कोई आस्वादन की वस्तु मान लिया है कि काश अनुभव हो जाए। ऐसा नहीं, इसमें अपने आप को स्थापित होना है, पूरी कल्पनाशीलता को इसके लिए संजोना है
अपने को दिखना है कि यही सुख पूर्वक जीने की विधि है, अन्यथा नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है इस पूरे क्रम में हमको लगता होगा कि काश मेरे अंदर चिंतन की क्रिया जागृत हो जाए, काश प्रकृति का बोध हो जाए, काश अस्तित्व का अनुभव हो जाए। कि जैसे जैसे हमने सोचना शुरू किया कहीं ना कहीं हम फिर आशा के स्तर पर पहुंच गए, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। अनुभव के लिए क्या करना होगा, इसका विचार कर रहे हैं उसे बेहतर स्थिति है ना। अनुभव की स्थिति में जाकर कैसा दिखेगा संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व, अगर उस स्तर पे काम कर रहे और आगे की स्थिति है चित्रण पे काम कर रहे हैं, अनुभव की स्थिति में जाकर कैसा दिखेगा। तो ये भी अगर हम शुरू करें कि अनुभव की स्थिति में जाकर कैसा दिखेगा तो एक बेहतर स्थिति दिखाई देती है अपने। बट यदि हम सिंपली इतना ही सोचें कि काश ऐसा हो जाए, काश है ना ज्ञान संपन्न हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए, विज्ञान संपन्न हो जाए, तो हम सब फिर से वापस सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए अपनी कल्पनाशीलता में। तो ये देखने की बात है, हो सकता है दिन भर में ऐसे कई फ्लक्चुएशन हमारे अंदर होते होंगे, है ना। इसको अपने आप में देखना है कि अभी हम किस लेवल पे एक्टिव है, आशा के स्तर पर है कि विचार के स्तर पर है कि इच्छा के स्तर पर है कि और आगे के स्तर पर है। तो अगर हम जीव चेतना में जी रहे हैं तो मान्यताओं और संवेदना का प्रभाव बना रहता है, मानव चेतना में जी रहे होते हैं जब ब्लॉक B1 एक्टिव होता है तो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होते हैं, उससे फिर नीचे की क्रियाएं निश्चित होती हैं, नियंत्रित होती हैं। यही मेरा आपका हम सबका विकास है, यही पूरे समाज का विकास है ना, और यही कर्तव्य है हम सब के लिए इसमें जागृत होना। ठीक, एक बार ये ध्यान में आ जाए समाज के ये कर्तव्य है तो आप देखेंगे कि अधिकारों की पूर्ति अपने आप होने लगती है और उसमें जो बाधाएं हैं उसको भी हम विधिवत दूर कर पाते हैं ना, बिना विरोध के, बिना संघर्ष के उसको हम विधिवत पूरा कर पाते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। इस पर हमने कल भी बात की थी कि एक स्थिति ये हो सकती है हमारी जो अभी पिछले स्लाइड में भी दिख रहा था कि मेयरली कल्पनाशीलता की क्रियाओं में ही जागृत है, तो यहाँ पर हम व्यवहार तो कर रहे हैं बट कभी कभी सुखी होते हैं, जनरली दुखी रहते हैं, खुद में भी और दूसरे को भी दुखी करते रहते हैं। कार्य तो कर रहे हैं परंतु कभी कभी समृद्ध महसूस करते हैं और जनरली अपने अंदर दरिद्रता का भाव बना रहता है। भागीदारी भी कर रहे होते हैं, कभी कभी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं बट जनरली या तो अव्यवस्था को देख कर स्वीकार करते हैं कि ठीक है ऐसे ही है ना, या फिर खुद ही अव्यवस्था क्रिएट कर रहे होते हैं। और विचार में देखें तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि में फंसे रहते हैं, आस्वादन में देखें तो रुचिमूलक आस्वादन में फंसे रहते हैं। परंतु इतनी अच्छी बात है कि सहज स्वीकृति हमारी बनी रहती है इस स्थिति में भी, और जैसे इस पर ध्यान चला जाए हमारा आगे का काम शुरू हो जाता है। जी नेक्स्ट भैया। चिंतन में जागृत हुए भाव स्पष्ट हुआ तो उससे हमारे व्यवहार कार्य भागीदारी में भी एक परिवर्तन दिखाई देता है, तो हमारे जीने में सुख बढ़ता है, स्वयं में भी सुख बढ़ता है और जिनके साथ व्यवहार कर रहे हैं उनका भी सुख बढ़ता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है चूक हो जाए, कार्य में भी समृद्धि का भाव बढ़ता है बट फिर भी कहीं हो सकता है दरिद्रता का भाव बना रहे, और भागीदारी में भी व्यवस्था में भागीदारी हमारी बढ़ती है बट फिर भी हो सकता है कहीं पैसिव हो या कहीं अव्यवस्था क्रिएट कर रहे हो। और आगे चले जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। बोध और संकल्प में जागृत होते हैं स्थिति और बेहतर होती है। नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। और जब अनुभव में जागृत होते हैं तो वहां जाकर पूर्णता है। तो अनुभव में जागृत होते हैं तो बोध पूर्ण होता है, चिंतन पूर्ण होता है, उससे जो विचार चल रहा है विचार में सत्य धर्म न्याय की दृष्टियां स्थापित होती हैं और इन दृष्टियों के आधार पर ही हम विचार करते हैं। तो जो भी शरीर के अर्थ में विचार करना है, संवेदना के अर्थ में विचार करना है, सुविधाओं के अर्थ में विचार करना है, वो न्याय धर्म सत्य के आधार पर निश्चित रहता है, नियंत्रित रहता है। जो आस्वादन हो रहा होता है स्वयं में निरंतर सुख का हो रहा होता है, लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ जो रुचि मूलक आस्वादन होता है वो निश्चित होता है, नियंत्रित होता है और संवेदनाओं के सदुपयोग के अर्थ में परिमार्जित होता है। तो व्यवहार में हम सुखी होकर ही हर क्षण व्यवहार करते हैं,
और दूसरे व्यक्ति को हमारे साथ व्यवहार करते हुए सुख मिलता है, समाधान मिलता है, ज्ञान के लिए प्रवृत्ति बनती है। जब कार्य कर रहे होते हैं तो हमको दिखता है कि सुविधाओं की आवश्यकता तो सीमित है, तो हम प्रकृति से बहुत थोड़ा ही लेते हैं और जितना लेते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रकृति को संपन्न बनाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। जो प्रकृति से हम इतना ज्यादा ले रहे हैं इसी कारण लूटपाट है कि कहीं हम भोग से सुखी होने में लगेंगे। कल किसी ने एक वीडियो भेजा था कि जिस तरह से अभी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और स्टेशन पे गाड़ियां रुकती हैं और कोई चाय लेकर आता है, कोई पकौड़े लेकर आता है, वैसे आने वाले समय में हम चांद पे यात्रा कर रहे होंगे और ऐसे ही एक कॉमन घटना होगी चांद पे आना जाना। बट अभी देखे तो अब जैसे हम कल्पनाशीलता में इतनी सारी चीजें फैला तो रहे हैं, बट क्या हम धरती पे ही सुखपूर्वक जीने के लिए योजना बना पा रहे हैं ठीक से? तो चांद के बारे में हमें समझ बन जाए, चांद के बारे में पूरी सूचना मिल जाए, ये तो अच्छी बात है। बट चांद का भी हम भोग शुरू कर दें, धरती का भोग कम पड़ जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो हमें पूरे अस्तित्व के बारे में भी जो जानकारी जुटानी है, अस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित करना है, वो अपने सुख के लिए, सबके सुख के लिए करना है, न कि भोग के लिए, लाभ के लिए, है ना, संवेदनाओं की तृप्ति के लिए। वैसे भागीदारी कर रहे होते हैं तो हमारी दृष्टि हमेशा मानवीय परंपरा तक होती है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था करते हैं, हमारी भागीदारी होती है। तो ये पूर्णता का, मेरी क्रियाओं के पूर्णता का, क्रियाओं के विकास की पूर्णता हुई, इसको इसलिए क्रिया पूर्णता का, तो मेरे में जो क्रियाएं हो रही हैं उसका विकास पूरा हुआ अनुभव में जाकर। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो ये अपने को दिखता है कि एक छोर पर हम स्वयं में अनुभव के लिए कार्य कर रहे होते हैं और दूसरे छोर पर हम जो एक्सप्रेशन में जा रहा है भागीदारी कर रहे होते हैं। और ये बात हमने कई बार सुबह के सत्र में भी दोहराई कि हमको दोनों छोरों पर ध्यान दे के रखना है। तो हम कमरे में बैठे बैठे अनुभव तक पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है, या उन्हीं मान्यताओं संवेदनाओं में जीते हुए इन प्रस्तावों पर विचार करते हुए हम अनुभव तक पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। मतलब अनुभव क्या, उसके पहले की स्थिति में भी अगर बात करें तो चिंतन में भी हम प्रवृत्त हो पाएंगे ऐसा नहीं है। उसके लिए भागीदारी जरूरी है, उसके लिए जीना जरूरी है ना। और जीने की बात करें तो उसकी सीमा को और बढ़ाने की जरूरत है। तो जब भी हम परिवार के बारे में विचार करें तो हमारा ध्यान विश्व परिवार की ओर जाए, जब भी हम सुविधाओं के बारे में विचार करें तो हमारा ध्यान सार्वभौम व्यवस्था की ओर जाए, जब भी हम अपने बच्चों के बारे में विचार करें तो हमारा ध्यान मानवीय परंपरा तक जाए। और उसी रूप में हम भागीदार भी हैं, है ना, उसी रूप में हम शरीर का सदुपयोग कर पाए, उसी रूप में हम सुविधा का सदुपयोग कर पाए, उसी रूप में हम उत्पादन को निश्चित कर पाए, विनिमय को निश्चित कर पाए। तो ये जो जीना है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसका। तो स्वयं में हम अनुभव के लिए काम कर रहे होते हैं और परस्परता में हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और यही कुल करने काम है। अगर एक की टेक अवे देखें इस पूरे कोर्स का, UHV 3 का ये की टेक अवे है कि अभी हम हो सकता है सिर्फ Block B2 में एक्टिव है, और Block B2 से करना क्या है आगे के लिए, तो एक तरफ तो अनुभव के लिए काम करना है, दूसरी तरफ भागीदारी को फैल के करना है। अगर हम इस बात को अभी अपने आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो ये जो सुबह का सत्र है वो सफल हुआ कि नहीं, और ये अगर ये छूट गया तो इसका जो सार है वो छूट गया, क्योंकि अल्टीमेटली विकास तो मेरे ही होना है, सेल्फ का होना है, और यही काम करना है अपने को। तो हम अभी जिस भी स्थिति में हो, हम चाहे आशा के स्तर पे जी रहे हो या विचार के स्तर पे या इच्छा के स्तर पे, अल्टीमेटली इन दोनों ध्रुवों पे अपने को ध्यान बना के रखना है। और इसी बात को कई बार कई प्रकार से कहा गया, जैसे हम कहते हैं जांचना और जी कर देखना। तो जांचने का मतलब अनुभव के लिए काम करना है, जी कर देखना मतलब भागीदारी करना, फैल कर। उसी को विस्तार से रखा गया UHV 3 में, इस डायग्राम के साथ रखा गया। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो समाधान के 9 बिंदुओं को देखें थोड़ा पहले, पिछला स्लाइड, समाधान के 9 बिंदुओं को देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो 3.1 निरंतर सुख जो अनुभव की क्रिया के साथ पूरा होता है, 3.2 में
ओके मानव को मूल चाहना देखें तो निरंतर सुख जो नीचे वन पे लिखा हुआ है उसकी पूर्ति ज्ञान और समाधान द्वारा, और समाधान के 9 बिंदुओं को देखें तो 3.1 में ज्ञान, और ज्ञान को देखें तो पूरे ये ब्लॉक B1 में दिखाई देता है। विवेक की अगर बात करें 3.2 इच्छा के स्तर पर है, जिसमें संबंध का चिंतन और उसके साथ चित्रण में उसकी स्पष्टता लक्ष्य के रूप में 3.2 ये इच्छा के स्तर पर दिखाई देता है। 3.3 को देखें जो विज्ञान है सारा, व्यवहार का विज्ञान, कार्य का विज्ञान, भागीदारी का विज्ञान, तो ये ब्लॉक B2 में है पूरी तरह से 3.3। व्यवहार कार्य भागीदारी उसी प्रकार से एक्सप्रेशन में जब जा रहा है 3.4, 3.5, 3.6 के रूप में दिखाई देता है, और उसी का जो फैलाव है समाज के स्तर पर 3.7 में देखें तो अखंड समाज, 3.8 में सार्वभौम व्यवस्था, 3.9 में मानवीय परंपरा इस रूप में दिखाई देता है। तो ये पूरे समाधान का स्वरूप है। तो कैसे ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान, और विज्ञान से हमारा आचरण निश्चित होता है मानवीय परंपरा तक, उसके पूरे स्वरूप को देखें तो एक स्लाइड में ऐसे देख सकते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड भैया थोड़ा आगे बढ़ जा रहा है इसका पिछला स्लाइड। मुझे लगता है कीबोर्ड में कुछ इश्यू हो गया है ना। जी भैया तो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, और जो प्रकृति है इसी का प्रकटन है। जब सहअस्तित्व को देखते हैं तो दिखता है कि शून्य है, जो हर जगह व्याप्त है, असीम है, क्रिया शून्य है, पारदर्शी है, पारगामी है, इसमें सारी इकाइयां संपृक्त हैं, यानी इसी में बनी रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। जो सहअस्तित्व है ये नित्य वर्तमान है, हमेशा से था, है और रहेगा हर देश में, काल में, और इस सहअस्तित्व में बने रहते हुए है ना हर इकाई किस प्रकार ऊर्जित है, क्रियाशील है, किस प्रकार नियंत्रित है यानी स्वयं में व्यवस्था है, किस प्रकार परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इस प्रकार हर इकाई कैसे स्वयं में व्यवस्था बनी रहते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदार है, इसको हम देख पाते हैं। इसी को कहा कि सहअस्तित्व जो है नित्य वर्तमान है, और इस प्रकार से नित्य वर्तमान है। ये भी दिखाई देता है कि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, यानी छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़े से बड़े ग्रह गोल तक हर इकाई सहअस्तित्व में ही दिखाई देती है, पूरी प्रकृति सहअस्तित्व में ही दिखाई देती है। तो इस पूरे अस्तित्व में कोई भी इकाई इसे रिक्त नहीं है, इसे विहीन नहीं है, है ना, हर इकाई सहअस्तित्व में ही है। छोटे से परमाणु को ले लें और बड़े से पिंड को ले लें, हर जगह इस अस्तित्व दिखाई देता है। ये इसको कहा कि अस्तित्व नित्य प्रभावी है। जी नेक्स्ट भैया। और अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है, इसका ही प्रकटन प्रकृति की चार अवस्थाओं के रूप में दिखाई देता है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था में दिखता है कि परमाणु से लेकर ग्रह गोल तक इसे ही पदार्थ अवस्था में है। प्राण अवस्था में दिखता है कि प्राण कोशिका से मानव शरीर तक जो रचनाएं हैं ये सारी प्राण अवस्था में है। जीव अवस्था में देखें तो चयन आस्वादन तक जो जागृत जीवन है, सेल्फ है, ये दिखाई देता है। और ज्ञान अवस्था में देखें तो कम से कम चयन आस्वादन में तो जागृत है ही, विश्लेषण में भी है, चित्रण तक भी है, और आगे की संभावना बनी हुई है चिंतन बोध अनुभव में जागृत होने की, उसकी क्षमता हमारे में निहित है, उसकी आवश्यकता भी बनी हुई है। और अल्टीमेटली देखें तो हम ये सारा जो प्रयास कर पा रहे हैं, है ना, हम शरीर को लगा पा रहे हैं, अपने आप को लगा पा रहे हैं, अपनी सुविधाओं को लगा पा रहे हैं, ये सहअस्तित्व का ही प्रकटन है। जितना इसको लगाते हैं ज्ञान के अर्थ में उतना सुख मिलता है। तो हम अपने आप को जितना तन मन धन के रूप में लगा पाते हैं उतना उसका सुख मिलता है। तो ये सहअस्तित्व का ही प्रकटन है, यही हमारी सहज स्वीकृति है। हम भले ही सहअस्तित्व के अनुभव तक ना पहुंच पाए, सहअस्तित्व मुझ में हर क्षण रिफ्लेक्टेड है, प्रतिबिंबित है, उसी को ध्यान देता हूं तो मैं सहज स्वीकृति के रूप में देखता हूं। तो जो सहज स्वीकृति है बेसिकली सहअस्तित्व का ही प्रतिबिंबन है मेरे में, उसी का प्रकटन है मेरे में।
मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं सुखी होना चाहता हूँ कि नहीं, उत्तर मिलता है हाँ। मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, उत्तर मिलता है हाँ। दूसरा मेरे जैसा है कि नहीं, उत्तर मिलता है हाँ। ये कहाँ से उत्तर मिलता है अगर हम देखें तो हमारी सहस्य की दृष्टि मिलता है। और किस प्रकार? तो सहस्तित्व के प्रकटन के रूप में मिलता है। स्वयं में ध्यान देते हुए हम पूरे अस्तित्व को समझ पाते हैं। इतनी मजेदार बात है कि नहीं? हम स्वयं में ध्यान देते हुए पूरे अस्तित्व को समझ पाते हैं, एक एक इकाई की व्यवस्था को जान पाते हैं, उनकी परस्परता को जान पाते हैं। तो ये जो पूरा अस्तित्व है शून्य के माध्यम से मुझ में प्रतिबिंबित है। मैं ध्यान देता हूं और मुझे दिखता जाता है। बस इसमें कठिनाई यही होती है कि ध्यान देना क्यों है ये कई बार मुझे स्पष्ट नहीं होता, तो नहीं ध्यान देता हूं। और यही सारी समस्या है। ध्यान देना है ये दिख जाए तो ध्यान देता हूँ, ध्यान देता हूँ तो दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी मुझ में वो प्रतिबिंबित है। तो पूरा ज्ञान मुझ में प्रतिबिंबित है, सिर्फ मैं ध्यान देता हूँ तो दिखता है, नहीं ध्यान देता हूँ नहीं दिखता है। बट उसके लिए तैयारी होनी है, वो जो प्रायोरिटी बननी है आगे की चीजों को देखने के लिए, उसके लिए जी कर देखना जरूरी है। नहीं तो अभी हमारा जितना विकास हुआ है हम नीचे क्रियाओं में उलझे रह जाते हैं, लगे रह जाते हैं। नहीं नहीं जी, नेक्स्ट स्लाइड भैया। प्रकृति को देखें तो प्रकृति में ये चार अवस्था इस प्रकार से दिखाई देती है। हर एक अवस्था में निश्चित धारणा है, स्वभाव है, क्रिया है, अनुसंगीयता है। और जब मैं संपृक्तता को देखता हूँ इन चार अवस्थाओं में, तो पदार्थ में क्रियाशीलता के रूप में, प्राणावस्था में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में, जीवावस्था में शरीर में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में, और मैं में संवेदनशीलता के रूप में, और मानव में शरीर में क्रियाशीलता स्पंदनशीलता के रूप में, और मैं में संज्ञानशीलता के रूप में दिखाई देता है। और दिखाई देता है कि संज्ञानशीलता तो मुझे पहले से है, यानी जानने की क्षमता मुझे पहले से है। संज्ञानशीलता से संज्ञानीयता तक पहुंच जाए यही पूरा काम है करने के लिए, और उसमें हर एक अवस्था की भागीदारी है ना। तो संज्ञानीयता तक तो पहुंचने के लिए मैं फिर चिंतन बोध अनुभव में जागृत होने के लिए काम करता हूँ, जिससे मेरे स्वभाव में धीरता वीरता उदारता स्थापित होती है। और यही पूरी शिक्षा संस्कार परंपरा का रोल है कि मुझ में ये जो जानने की क्षमता बनी हुई है उसका सदुपयोग हो जाए, जो मेरा स्वभाव है धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा उसमें स्थापित हो जाऊं, है ना। और ये क्षमता हम में से हर एक मैं में है। इतना जरूर है कि अभी हम ब्लॉक B2 में किस लेवल पे जी रहे हैं उसके अनुसार समय लगेगा। आशा के स्तर पर सिर्फ जी रहे हैं तो ज्यादा समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा। विचार के स्तर पर जी रहे हैं थोड़ा कम लगेगा। इच्छा के स्तर पर जी रहे हैं, है ना, उसमें भी चित्रण में तो और कम लगेगा। चिंतन में जागृत हुए, काम शुरू हो गया, है ना। फिर तो रुकने वाले नहीं है, फिर कोई इसमें रिवर्सल नहीं है। जब तक ब्लॉक B2 में एक्टिव है रिवर्सल की संभावना है। आज मोटिवेटेड है कल डीमोटिवेट हो गए, ऐसे कई साथी भी कई बार है ना अपने को संपर्क में आते हैं। कभी बहुत मोटिवेशन हाई था समझने का, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, और फिर वो नहीं पूरा हुआ तो कहीं आस्वादन के स्तर पर फंसे हुए थे। तो आस्वादन नहीं पूरा हुआ तो फिर गति रुक गई और किसी और ही दिशा में लग गए, कहीं और ही प्रायोरिटी बन गई। तो जब तक ये चिंतन की क्रिया जागृत नहीं हो गई एक सीमा तक, है ना, तब तक वो रिवर्सल की संभावना बनी रहती है। कौन कब मान्यता कैसे हावी हो जाए इसकी संभावना बनी रहती है। कोई विचार कब हावी हो जाए इसकी संभावना बनी रहती है। प्रीहित लाभ में कोई दृष्टि कब हावी हो जाए इसकी संभावना बनी रहती है। बट एक बार चिंतन में काम शुरू हुआ तो संज्ञानीयता में काम शुरू हुआ और फिर आगे की गति बनती रहती है। तो ये भी अपने को देखने की बात है कि हम लोग इतना सारा प्रयास करके भी, है ना, गतिशील बराबर तभी बने रह सकते हैं जब ऊपर के ब्लॉक में कुछ काम हो पाए। नहीं तो ये काफी संभावना है कि, है ना, कहीं हम ठिटक के रुक जाएं, इस प्रोसेस के रिवर्सल में चले जाएं, फिर किसी पुरानी मान्यता में उलझ जाएं, फिर कोई विरोध का भाव इतना हावी हो जाए, कोई द्वेष का भाव हावी हो जाए, संग्रह का भाव, लाभ का भाव हावी हो जाए। ये सारी संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए विधिवत अपने को संज्ञानीयता में स्थापित होने की जरूरत है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। जी जी भैया। तो पूरे अस्तित्व को एक नजर में देखें तो ऐसा दिखाई देता है,
इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। ये जो प्रकृति है इकाइयों का समूह है, हर इकाई आकार में सीमित है, स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाइयों के साथ क्रियाशील है, स्वयं में ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है कि नहीं। जो शून्य है वो क्रिया शून्य है, असीम है, व्यापक है, पारदर्शी है, पारगामी है, साम्य ऊर्जा है, उसी में बने रहते इकाइयां से अस्तित्व में बनी हुई है। इकाइयां दो प्रकार से जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयों को देखें तो दो अवस्थाओं में है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। जड़ इकाइयों को टेम्पररी कहा क्योंकि इनके गठन में परिवर्तन होता रहता है। चैतन्य इकाई निरंतर है क्योंकि इनके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जड़ इकाइयों में सिर्फ पहचाना निर्वाह करना की क्रियाएं होती है, चैतन्य इकाई में देखें तो मानना पहचाना निर्वाह करना की क्रिया होती है, जानने की संभावना बनी रहती है। पदार्थ अवस्था सबसे छोटी इकाई परमाणु, परमाणु परमाणु मिलकर बने तो अणु, अणुओं से मिली बनी अणुरचना। अणुरचनाएं दो प्रकार से, पिंड और रस है ना। रस में ही एक प्रकार से रचना हुई तो प्राणकोशाएं बन गई, प्राणकोशाएं ही सुरक्षित होकर पेड़ पौधे बन गई, यही प्राणकोशाएं नए विधि से सुरक्षित होकर जीव शरीर बन गया, और एक विधि से सुरक्षित हुए तो मानव शरीर बन गया। तो ये रचनाएं जो है बेसिकली प्राणकोशाएं की रचनाएं हैं। जो जीव शरीर है वो चैतन्य इकाई के अस्तित्व में हुआ तो जीवावस्था, जो मानव शरीर है चैतन्य इकाई के अस्तित्व में हुआ तो ज्ञानावस्था, और ज्ञानावस्था में अभी हम सब हैं ही, है ना। आगे का जो काम है कि हम क्रियापूर्ण हो जाए, उससे हम आचरण पूर्ण हो जाए। क्रियापूर्णता के लिए ही इतनी सारी बात हुई कि ना कम से कम चिंतन में जागृत होना शुरू करें, उस पर काम करना शुरू करें, भाव को ध्यान दें। तो एक्सरसाइज 1 और 2 हमने किया, एक्सरसाइज 1 में हमने भाव को फोकस किया, इसलिए किया ताकि ये चिंतन की क्रिया जागृत होने लगे, क्योंकि यहीं से हमारी गति अनवरित रहेगी, यहीं से हम आगे की ओर निश्चित रूप से गतिशील रहेंगे। जी नमस्ते भैया, आवाज आ रही है? जी आ रही है। भैया इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, मटेरियल में जो ये टेम्पररी लिखा हुआ है, तो वैसे हमने जैसे समझा है कि एटम तो एवर एग्जिस्टिंग है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो हमने इसमें टेम्पररी क्यों लिखा है? क्योंकि इसे गठन में परिवर्तन होता रहता है, इसका अस्तित्व तो बना हुआ है, इसका धर्म तो अस्तित्व है, बना ही रहेगा, है ना। पर इसे गठन में परिवर्तन होता है, मेरे आपके गठन में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि छिटक कर चयन की क्रिया बाहर निकल गई या कोई नई क्रिया आके जुड़ गई, ऐसा नहीं होता। बट परमाणु में देखें तो ऐसा होता रहता है, परमाणु अंश टूटते जुड़ते रहते हैं, इसलिए इसको टेम्पररी कहा। ठीक है। और भैया दूसरा प्रश्न ये है कि स्पेस को तो हम समझने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम है जैसे हम लिखते हैं कि एवर परवेडिंग है, या जो ये टाइम बाउंडेशन है, ये टाइम को कैसे समझ सकते हैं, मतलब टाइम किस तरीके से काम करता है? टाइम को देखें तो बेसिकली जो इकाइयों में क्रिया है और क्रियाशीलता है उसकी जब परस्परता में परिभाषित करते हैं तो समय के रूप में दिखाई देता है। तो हर इकाई स्वयं में क्रिया है, अन्य इकाई के साथ क्रियाशील है, उसको जब परस्परता में देखें एक क्रिया की तुलना में दूसरी क्रिया तो समय के रूप में दिखाई देता है। जैसे जो धरती है सूरज का चक्कर लगा रही है ना, तो एक समय में मतलब सूरज के सापेक्ष पूरा जो चक्कर लगाया उसको हमने एक वर्ष कह दिया, तो सूरज भी क्रियाशील है, धरती भी क्रियाशील है। वैसी धरती अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो सूरज भी क्रिया है, धरती भी क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं के सापेक्ष में एक दिन को हम परिभाषित कर देते हैं, तो क्रियाओं की परस्परता में यह समय परिभाषित होता है। तो ये टाइम जी तो ये मैनमेड कॉन्सेप्ट है? नहीं, है तो वास्तविकता, बट जो क्रिया को हम अध्ययन करते हैं, क्रिया को पहचानते हैं, तो परस्परता को भी पहचानते हैं, तो समय है तो वास्तविकता, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, एक अलग चीज है। जैसे एक दिन का समय बीता, ये तो बीता ही ना, कैसे बीता, तो पूरे एक दिन में धरती ने एक चक्कर लगाया, धरती की क्रिया है। तो इकाइयों को देखें तो इकाइयों में समय दिखाई देता है, शून्य को देखें तो शून्य जो है उसमें कोई समय की बात नहीं है, तो काला बाद है, तो उसमें काल की कोई सीमा नहीं है शून्य में,
इकाइयों में समय की सीमा दिखाई देती है। जी भैया धन्यवाद। बढ़िया दीदी, तो अल्टीमेटली जो करने का काम है कि जो चैतन्य इकाई है ज्ञान अवस्था में, इसमें क्रिया पूर्णता हो जाए, आचरण पूर्णता हो जाए, है ना, इसी के लिए सारा प्रयास है। और यही एकमात्र विकास है पूरे अस्तित्व में। जड़ इकाइयों में देखें तो एक चक्रीयता दिखाई देती है, जिस स्थिति से चले उस वापस पहुंच गए। तो चैतन्य इकाई में चक्रीयता नहीं है, विकास है। हाँ, बट यदि हम चिंतन में जागृत ना हो तो हो सकता है उसी स्थिति में बार बार बने रहे, वही मान्यताओं में लौट लौट के चले जाए, इतना भर तो है। बट एक बार हमारे अंदर विकास हो गया, हमारे अंदर चिंतन बोध अनुभव जागृत हो गया, फिर इसका कोई रिवर्सल नहीं है, ये चीज जड़ में नहीं दिखाई देगा। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो मानव के लिए जो करने का काम है, जिसको मानवीय आचरण कहें, है ना, तो उस अस्तित्व में जो मानव की भागीदारी है, यही मानव का आचरण है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे ज्ञान की चर्चा से हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि मानव में और शरीर का सहअस्तित्व है। मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर तो साधन मात्र है। मानव की जो मूल आवश्यकता है निरंतर सुख है, जो ज्ञान और समाधान से पूरी होती है, यानी सही समझ, सही भाव, सही विचार से पूरी होती है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, यानी इकाइयां हैं, और ये इकाइयां जो है शून्य में संपृक्त हैं। जो सहअस्तित्व है वो नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है। और इसी रूप में हम जब देखते हैं तो हमें प्रकृति की चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं, और दिखता है कि चार अवस्थाएं अपने निश्चित स्वभाव धर्म के साथ, अनुसंगीयता के साथ, ये सहअस्तित्व का ही प्रकटन है। और मैं इस अस्तित्व को जैसा है वैसा देख पाता हूँ जब मैं चिंतन बोध अनुभव में जागृत होता हूँ, और ये लोअर टू हायर एक्टिविटी में प्रवृत्त होना, यही मेरा विकास है। अब इन सबके आधार पर मैं मानव की भागीदारी को देख पाता हूँ कि अगर यही मूल मुद्दा है तो फिर मेरी भागीदारी क्या है। तो अगर हम देखें तो जो हम लोग जनरली आइकन यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं कि एक मानव है और अपने ठुड्डी पे हाथ रख के वो सोच रहा है कि मेरी भागीदारी क्या अस्तित्व में, तो अगर उसको देखा जाए तो मानव की भागीदारी इस रूप में है, जो भी हम लोग आगे रखेंगे। जी भैया, तो यही मानव की भागीदारी है कि जी नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। कि हम, है ना, ज्ञान संपन्न हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए, विज्ञान संपन्न हो जाए, ठीक, और उसके आधार पर हमारा व्यवहार कार्य भागीदारी निश्चित हो जाए, उसके आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा में भागीदार हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, यही कुल करने का काम है। तो सार रूप में रखें तो मानव के होने में मैं केंद्र में है, अस्तित्व के होने में सहअस्तित्व केंद्र में है। इसलिए मानव के लिए जो करने का काम है कि वो सहअस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित कर पाए, सहअस्तित्व का भाव और विचार सुनिश्चित कर पाए, जो स्वयं में स्वयं द्वारा होना है। वही जब परस्परता में जाएगा तो सहअस्तित्व पूर्वक जीना होगा, जो शरीर के आधार पर एक्सप्रेशन होता है, उसी को अगर हम ठीक से देखें वैसा दिखाई देता है। तो जो रोल है ह्यूमन बीइंग का वो यह है कि सहअस्तित्व का ज्ञान हो जाए, सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो जाए। तो सहअस्तित्व के ज्ञान को, यानी सहअस्तित्व को हम देख ले जैसा वैसा, इसको ज्ञान कहा, और इसके आधार पर हमारा भाव विचार सुनिश्चित हो जाए, इसको समाधान कहा। वैसे जब जीने जाते हैं तो वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, भागीदारी करते हैं। तो जो हमारी भागीदारी मानव मानव संबंध में होती है, जो परिवार से विश्व परिवार तक जाती है, उसी को अखंड समाज कहा। और जब हम पूरी प्रकृति के साथ भागीदार होते हैं, परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक, तो उसको सार्वभौम व्यवस्था कहा। और जैसा है ना अपने को दिखाई देता है कि अल्टीमेटली इस बात को पूरा करने के लिए चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना है, यानी संबंध का चिंतन होना है, व्यवस्था का बोध होना है, सहअस्तित्व का अनुभव होना है। जी नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो मानव की भागीदारी क्या हुई फिर,
तो मानव की भागीदारी हुई कि अस्तित्व को समझना, अस्तित्व पूर्वक जीना। इसी को और फैलाकर कहें तो संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, अस्तित्व पूर्वक जीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध को समझना, व्यवस्था को समझना, अस्तित्व को समझना और संबंध पूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीना, अस्तित्व पूर्वक जीना। इसी को सुनिश्चित करने के क्रम में हम लोगों ने अभ्यास एक और दो किया था। बेसिकली अभ्यास और एक और दो जो है इसके लिए ही तैयारी है, और अब ये अभ्यास तीन के लिए भी तैयारी है। तो अभ्यास दो का अगर आखिरी स्टेप देखें, हम लोगों ने शून्य पे ध्यान देने का प्रयास किया था उसमें, तो अभ्यास तीन के लिए थोड़ी सी और तैयारी चाहिए। अभ्यास एक और दो में थोड़ा और हम पक जाए ठीक से और गति बन जाए, तो अभ्यास तीन को कर पाएंगे। जी, तो एक बार हमारे अंदर ये अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए, है ना, तो फिर ये पूरा एक क्रम दिखाई देता है। तो मैं अपने आप को शून्य में हर क्षण संपृक्त देखता हूँ, शून्य के माध्यम से पूरे अस्तित्व से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। इस अनुभव के साथ मुझे स्वयं में प्रमाण मिलता है, अब मेरी सारी क्रिया इसी आधार पर व्यवस्थित होती है, तो उससे मेरा बोध पूरा होता है। बोध पूरा होता है तो उसके साथ संकल्प पूरा होता है, और पूरी कल्पनाशीलता इसी अर्थ में निश्चित होती है। इससे मेरा चिंतन पूरा होता है, जब चिंतन पूरा होता है तो मेरी इच्छाएं निश्चित होती हैं, चित्रण निश्चित होता है, मानव लक्ष्य के अर्थ में निश्चित होता है। उससे मेरे विचार में जो तुलन की क्रिया हो रही है उसमें पूर्णता होती है, सत्य धर्म न्याय की दृष्टि के साथ। उससे मेरा विश्लेषण व्यवस्थित होता है, उसमें निश्चितता होती है, शांति होती है। उससे मेरा जो आस्वादन है ना, ये पूर्ण होता है। जहाँ पहले रुचि में फंसे हुए थे, अब लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ रुचि मूलक आस्वादन कर रहे होते हैं। और उससे मेरा फिर चयन निश्चित होता है। चयन निश्चित होने का मतलब जो भी मैं परस्परता में निर्वाह करता हूँ, शरीर के माध्यम से व्यवहार करता हूँ, कार्य करता हूँ, भागीदारी करता हूँ, वो तो फिर कनेक्ट होता है। हरेक के सुख, हरेक की समृद्धि, पूरे प्रकृति की सुरक्षा, उसकी परंपरा इसके साथ कनेक्ट होता है। तो जो स्वयं में अनुभव है, ये मेरा स्वयं में एक स्वयं में पूर्णता है, और उसी की जो अभिव्यक्ति है वो तो मेरे आचरण में पूर्णता है। तो अनुभव होना भी पूर्णता है, आचरण में वही अभिव्यक्ति जब जाता है मानवीय परंपरा तक, तो मेरे आचरण की पूर्णता है। और उससे जो स्वयं में तृप्ति मिलती है, उसी को नाम दिया सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो बोध की पूर्णता के साथ आनंद घटित होता है, चिंतन की पूर्णता के साथ संतोष घटित होता है, विचार की पूर्णता के साथ शांति की निरंतरता होती है, और आशा की पूर्णता के साथ सुख की निरंतरता होती है। और यही निरंतर सुख है, इसी के लिए हम सभी लगे हुए हैं जी, इसी की परंपरा बन जाए यही चाहते हैं। जी भैया, उसी को कनेक्ट किया तो नौ बिंदुओं से कनेक्ट होते हैं। इस पर अभी थोड़ी बात हुई, इस उन्होंने विस्तार से मॉड्यूल 2 में लिया था जी। तो इसके आधार पर जो होमवर्क है, अब तो सारा ही होमवर्क है, तो पूरे अस्तित्व को जैसा वैसा देखने का काम करना है, मानव को जैसा वैसा देखने का काम करना है, और अस्तित्व मानव की भागीदारी को देखने का काम करना है, इसको संपूर्णता में देखना है। मानव में भी मूल मुद्दा मैं का है, ये दिखता है। अस्तित्व के बारे में भी सूचनाएं नहीं जुटानी है, अस्तित्व को देखना है, संपृक्तता को देखना है। और मानवीय आचरण में भी कुछ हमें रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं बनाने हैं, बल्कि सहज भाव से हमें भागीदार होना है। यही कुल करने काम है, यही हमारा आगे का योजना है, कार्यक्रम है। तो आज के असाइनमेंट के लिए यही है, और असाइनमेंट तो लंबा चलने वाला है नहीं, इसी क्रम में हम लोग आगे और संवाद करते रहेंगे जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्वेश्चन उसी मतलब चिंतन क्रिया से रिलेटेड था, जो अभी आपने बताया कि जैसे जब हम लोग आस्वादन नहीं होते हैं तो वो बार बार चेंज होता रहता है, जो मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं उसके प्रति प्रेरित होते, वो बार बार कभी ज्यादा कर लेते कभी कम कर लेते, तो भैया मतलब
उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? मतलब जब हम चिंतन क्रिया में जाएंगे तब तो वो होना ही है, उसके अलावा उससे पहले मतलब वो बार 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 ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए क्या और सोल्यूशन हो सकता है? उससे के लिए तो हमने अभ्यास एक और दो किया, जब हम प्रभावित क्यों हो जाते हैं तो या तो कोई अनुकूल भाव पाने के अर्थ में या अनुकूल संवेदना पाने के अर्थ में, क्योंकि उसमें ही सुख लगा रहता है हमको, हमने ऐसा माना है कि उसमें सुख है, तो उसको अपने आप में देखेंगे। एक तो इसके प्रति सजगता पूर्वक देखेंगे कि क्या चल क्या रहा है, और इस समय तो और अभी लगेगा क्योंकि अभी तो हमने देखना शुरू किया है, बहुत सारे संस्कार अपने अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, तो एक एक संस्कार को बारीकी से ऑब्जर्व करना, उसमें परिमार्जन करना, मानव के बारे में, प्रकृति के बारे में, अस्तित्व समग्र के बारे में, हमने जो कुछ ही माना हुआ है उसको लेकर बहुत सारे गहरे गहरे संस्कार बने हो सकते हैं, तो हर एक में ठीक से अपने को काम करना होगा। अभ्यास एक में जो भाव की ओर ध्यान दे रहे थे और भाव में परिमार्जन के लिए काम कर रहे थे, वो करने का काम है। अभ्यास दो में जो संवेदनाओं को लेकर हम परतंत्र बने रहते हैं, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, उसको जो हम अर्थ देकर बैठे हैं उस अर्थ में परिमार्जन की जरूरत है। तो मतलब जैसे भैया बहुत बार ऐसे, अभी इसका मतलब अभी ये समझ सकते हैं क्या कि हमको जैसे संवेदनाओं से बिल्कुल इफेक्ट होना ही नहीं है, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, संवेदना या पूर्व संस्कार जो भी है उससे हम इफेक्टेड तो रहते हैं, अभी रहते हैं क्योंकि ऊपर की क्रिया जागृत नहीं हुई है, अगर जागृत हो जाए तो नहीं होंगे। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, तो होमवर्क के रूप में देखें तो जो भी आज के दिन हम निर्णय लिए हुए हैं, है ना, और जिस तरह से हम अभी जी रहे हैं, जिस तरह से हम अभी क्रियाशील हैं, तो हम उसको देखना शुरू करें कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उसके आधार में क्या है। इससे हम अपना स्वयं का सही से मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने अभी की स्थिति का हम ठीक ठीक आकलन कर सकते हैं, और फिर ये देख सकते हैं कि आगे हमको क्या एफर्ट करना है। तो अभी जो बात हुई थी, तो हम अभी अपने भाव को सजग होते हैं, अपने विचार को सजग होते हैं, तो हमको दिखता है कि अभी अपने में क्या और काम करना है, और फिर अभी हम निर्णय ले रहे हैं जीने के अर्थ में, उसका भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर ये भी देखें कि क्या हम अपने आप में चारों अवस्थाओं की व्यवस्था को ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, उनके स्वभाव को देख पा रहे हैं कि नहीं, यानी उनके अस्तित्व को, उनके होने को ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, और शून्य के होने को देख पा रहे हैं कि नहीं। वैसे हम देखें कि जो हमारा आचरण है वो तो बेसिकली जो स्वयं में चल रहा है उसी का प्रकटन है, तो क्या वो मानवीय आचरण के अर्थ में है कि नहीं, तो क्या हम जब एक्सप्रेस हो रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन के मूल में सही भाव सही विचार है कि नहीं, ये सारा अपने मूल्यांकन के लिए है, इस पर आज हम लोग ध्यान दें। कल हम लोग इस पूरे UHV3 कोर्स के कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे, समअप भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपने कुछ पुराने साथियों का शेयरिंग रहेगा, उसके बाद नए साथियों का शेयरिंग रहेगा, और अभी शेयरिंग के लिए नाम कुछ कम आए हैं। हमारी आशा तो ये है कि जितने भी साथियों ने सुबह का सत्र को अटेंड किया है वो सभी शेयरिंग करें, और उस पर विधिवत लिख भी लें उसको कि हमको किस प्रकार शेयरिंग करनी है, तो ज़्यादा उपयोगी हो पाएगा आपका शेयरिंग। तो आज के लिए असाइनमेंट रहेगा, उसको हम लोग फ्लोट भी कर देंगे ग्रुप पर। और जी भैया, अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं आज की चर्चा को। तो सभी का धन्यवाद भैया, क्या आज के लिए हम लोग रुक सकते हैं? जी भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।